हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो वो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग अभी अभी मेरी चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन लोगों ने मेरी चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, वो सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से भी आप लोग जो अभी तक मुझे सपोर्ट दिया है, आगे से भी आप लोग मुझे सपोर्ट देते रहना। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि हमारे जो किचन वेस्ट होता है उससे हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, और ये जो घर पे बना हुआ हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है वो न्यूट्रिशन से, पोषक तत्वों से, नाइट्रोजन से भरपूर होता है, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इतने अच्छे से ग्रो करता है। क्योंकि आजकल मार्केट में कई तरह के फर्टिलाइज़र अवेलेबल है और इतने महंगे महंगे फर्टिलाइज़र आते हैं, तो हम घर बैठे बड़ी आसानी से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और ये कंपोस्ट बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जो हमारे सीजन के हिसाब से एक या दो महीने में ये रेडी हो जाता है। और ये इतना विटामिन्स मिनरल से भरपूर होता है तो हमारे पौधे भी बहुत खुश हो जाते हैं, उसको जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, जो भी विटामिन चाहिए, उसको जो प्रॉपर खाना चाहिए वो मिल जाता है। ये कंपोस्ट बनाने में ज़्यादा कुछ मेहनत तो है नहीं और हमारे प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, ये किचन वेस्ट आपके गार्डन को इतना ब्यूटीफुल बनाता है। इसके फायदे ही फायदे हैं। एक तो हमको बाहर से फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे जो प्लांट्स होते हैं हमारे पौधों को प्रॉपर फूड मिलेगा, और इसके अंदर इतने पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं भरपूर मात्रा में, विटामिन्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो भी हमारे प्लांट्स को चाहिए वो सब इसके अंदर मिल जाता है। तो चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको प्रॉपर वे में दिखाती हूँ कि घर बैठे हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले कंपोस्ट बनाने के लिए किचन वेस्ट में से जो भी कचरा निकलता है वो सभी का ऐसे छोटा छोटा पीस करना है, क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे पीसीस में कट करेंगे तो हमारा कंपोस्ट जल्दी रेडी हो जाएगा। तो इसके अंदर जो बीट के छिलके हैं, ओनियन के छिलके हैं, ये जो भाजिया है, वो हर एक चीज़ का ऐसे छोटे छोटे पीस करके हमें कंपोस्ट बिन में डालना है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बकेट में एक होल करना है और फिर उसके अंदर सबसे पहले मिट्टी का लेयर करना है, उसके बाद हमें हमारा जो भी किचन वेस्ट है वो डालना है। ये देखो, मैंने वेजिटेबल्स के, फ्रूट के जो भी छिलके हैं उसका छोटा छोटा पीसेस करके इसके अंदर डाला है, फिर उसके ऊपर हमें ड्राई जो पत्तियाँ होती हैं वो डालना है, क्योंकि ड्राई लीफ का मेन पर्पज़ होता है उसके अंदर जो भी नमी होती है उसको कम करता है, यानी जो कंपोस्ट बीन हमारा होता है उसके अंदर से मॉइस्चर जो ज़्यादा हो जाता है वो ये पत्तियाँ कम करती है, और जो ड्राई लीफ होती है उसके अंदर कार्बन होता है, और जो ग्रीन लीफ होता है यानी कि किचन वेस्ट, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो ये दोनों का मिक्स होगा तो हमारा कंपोस्ट भी जल्दी बनेगा और हमारे पौधों को जो भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सब इसके अंदर होता है, तो वो सब मिल जाएगा, और ये हमारा एकदम अच्छा वाला ऑर्गेनिक हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। ये देखो, उसके ऊपर मैंने ड्राई लीफ का लेयर किया है, फिर उसके ऊपर फिर से मैंने किचन वेस्ट डाला है, और पूरी बकेट अब देखो पूरी फुल हो गई है। अब इसके ऊपर हमें ड्राई लीफ फिर से डालना है और इसके ऊपर फिर से हमें मिट्टी का लेयर करके ये बंद करके रख देना है। और ये आप कंपोस्ट जल्दी बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप 50 ग्राम कर्ड यानी कि दही डाल सकते हो और 50 ग्राम गुड़ डाल सकते हो, तो इससे हमारा ये कंपोस्ट जल्दी रेडी हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने मिट्टी का पूरा लेयर कर दिया है, अब बकेट मेरी ये फुल हो गई है। अब मैं किसी अच्छी सी जगह ये रख दूँगी कि जहाँ धूप ना आए, धूप यानी डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना आए, ऐसी जगह मैं ये अब रख दूँगी।
अब मैंने इसके अंदर पानी डाल के बस ये मैंने बंद कर दिया है। ये 1 मंथ में रेडी हो जाएगा। अब मैं किसी अच्छी से जगह रख दूँगी। अब देखो ये हमारा 1 महीने के बाद रेडी हो गया। पूरा ये जो हमारी बकेट होती है वो आधी हो जाती है। और देखो ये सब मिट्टी हो गया। पूरा जितना भी साग भाजी के छिलके थे, फ्रूट्स के छिलके थे और जो हमारा ड्राई लीफ था, ये देखो सब मिट्टी बन गया। ये हमारा किचन वेस्ट से कितना अच्छा कंपोस्ट रेडी हो गया। अभी इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो 2-3 घंटे अब मैं ये धूप में रखूँगी। फिर इसके अंदर से जब मॉइस्चर चला जाएगा फिर उसको अच्छे से छन्नी से छानना है। अब ये देखो पूरा मॉइस्चर चला गया और मैंने ये छान लिया है। ये देखो हमारा कंपोस्ट कितना अच्छा रेडी हो गया, फुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये देखो इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आती है और पूरा ये काला कलर का हो गया है। ये घर बैठे हमने कितना हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं तो हमारे पौधे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। और हमारे पौधों को नाइट्रोजन मिलेगा, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मिनरल्स जो भी चाहिए वो सब ये कंपोस्ट से मिल जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।